गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज जून की 5 तारीख है और मैं आज आपको एक ग्लेडिया के देख रहे हैं सुंदर सुंदर फूलों के साथ। ये वीडियो ग्लेडिया का सीड कलेक्ट करना मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए ग्लेडिया में बहुत फूल आए थे और ये सब फ्लावर्स जो हैं स्पेंड हो गए हैं। ये देखिए जो इस तरह से सूख गए हैं, ये इस तरह से आप इनको ऐसे मैश कीजिए। देखिए अभी दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए ये हैं ग्लेडिया के सीड्स। ये देखिए ये इनको आप ऐसे तोड़ के और मैश करके बीज निकाल के ऐसे ही और एक दिन दो दिन इनको छाए में सुखा के और किसी एयर टाइट पॉलीथीन पैकेट में रख लीजिए। और जब इसका सीजन आए, वैसे हमने देखा है ये जाड़े भर भी फूल दिया है और अभी गर्मियां हैं तब भी इसमें देखिए फ्लावरिंग। मेरे पास ये दो कलर का है, एक ये देखिए, एक ये येलो येलो है। ये देखिए इसमें भी कितनी फ्लावरिंग है, लेकिन इसके फ्लावर्स जो हैं बीच बीच में ये सूखते जाते हैं, तो मैं इनको कट करके मैंने बहुत सारा कलेक्ट कर रखा है। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको इनको दिखाते हैं। वैसे ये बहुत ही इजी ग्रो है। इसको मैं 10-10 रुपए का 2 पौधा लाई थी नर्सरी से। इसको मैं लाई थी वही फरवरी में और तब से इसमें बराबर फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए इतनी धूप होती है, लेकिन इसमें आज मैं इसके सारे जो जितने ये फ्लावर्स जो हैं स्पेंड हो चुके हैं, इनको मैं कट करके, इनको कट करने से एक तो हमें सीड मिल जाएगा और दूसरे जो ये स्पेंड फ्लावर कट हो जाएंगे तो जो इसकी एनर्जी ये फालतू खींच रहे हैं वो पौधे में ही रहेगी, तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और इसमें और फ्लावरिंग होगी। और ये देखिए ये इस तरह के जो एकदम सूख गए हों, एकदम इनमें जो है बिल्कुल नमी नाम की चीज़ न रही हो, इनको आप ये यूँ ऐसे कीजिए। ये देखिए और फिर अगली बार आपको इनको मैं सोच रही हूँ जैसे ही बारिश शुरू होगी मैं इनके सीड को किसी गमले या किसी, मैं ज़्यादातर सीडलिंग जो है किसी कागज़ या दफ्ती के कार्डबोर्ड के डिब्बे में मिट्टी भर के कर देती हूँ तो उसमें बहुत अच्छा जमाव होता है। आप भी दोस्तों एक बार ट्राई करके देखिए, क्योंकि उनको जब पानी डालो तो उनमें हमेशा नमी बनी रहती है, उसमें सूखने की कोई ये नहीं रहता कि पानी सूख गया है या पौधे को पानी नहीं मिल रहा है। ये देखिए तो जब से ही बारिश शुरू होगी मैं इसकी सीडलिंग कर दूंगी और देखूंगी कि मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। इस तरह से आप ये देखिए, मैं फिर आपको दिखाई दे रही हूँ इस तरह से सूखे हुए। और ये हैं जैसे थोड़ा अभी हरे हैं, लेकिन ये कि अब ये फूल खिल के मुरझा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको भी कट कर दिया। ये देखिए इनको मैं रख चुकी हूँ काफ़ी, और इनकी सूखी पत्तियाँ भी मैं निकाल दूँगी। और इस तरह से दोस्तों अगर आपके पास हो आप भी करिए, तो अगले सीजन में आपको एक पौधे से सैकड़ों पौधे मिल सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता हो आप लगाइए, अड़ोस पड़ोस में बांटिए, कहीं भी लगाइए इनको। तो ये देखिए मैंने इसको एक पॉलीथीन नमकीन के पैकेट में लगा रखा है, देखिए तब भी ये कितना सुंदर पौधा है, देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए ये भी छोटे से गमले में, 6 इंच के गमले में है ये देखिए ये
तो इसलिए इनको बहुत ईजी ग्रो है। इनको आप कहीं भी लगा दीजिए और थोड़ा इनका ध्यान रखिए, समय पे एक मुट्ठी खाद 10 से 15 दिन डाल दीजिए गोबर की, और जो है इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहिए। ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और इनको धूप धूप तो हर फूल को खिलने के लिए, जब तक फूल अरे धूप नहीं मिलेगी तब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, कुछ अपवाद छोड़ के। बाकी जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको जितनी हवा पानी धूप उतनी रिक्वायर्ड रहती है। दोस्तों मैंने अपने जानकारी के अनुसार आपको बता दिया है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।